फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में हम गवर्नमेंट के एक ऐसे नए एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो कि ऑफिशियल है और आपका जो कोविड वैक्सीन का स्लॉट है, चाहे फर्स्ट डोज का है चाहे सेकेंड डोज का है, सबसे फास्ट बुकिंग करता है। इसमें कई सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि शॉर्टकट में है और बहुत ही आसानी से बुक कर पाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप अपने सर्टिफिकेट में नेम का करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन, जेंडर करेक्शन जैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें आईडी प्रूफ भी चेंज कर सकते हैं और आप अपना पासपोर्ट भी लिंक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप बहुत सारे लैंग्वेज में एक्सेस कर पाएंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, इससे रिलेटेड और भी काफी सारी लैंग्वेज अवेलेबल है। आप अपनी भाषा में इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में स्किप के लास्ट तक बने रहे, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जो कि प्ले स्टोर पे बड़े ही आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं न्यू इंडिया, और उसके बाद से इसमें बहुत सारे ऑफिशियल एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ईपीएफओ हो गया, कोविन हो गया, इसमें रिसेंटली आप जो भी सर्विस यूज करेंगे वो सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में यहाँ पे कैटेगरीज भी बनाई गई हैं काफ़ी सारी, इनमें से भी आप देख सकते हैं क्या कुछ नया है, वो भी आप देखने को मिल जाएगा आपको कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ नया लॉन्च किया गया है। तो देखिए, जैसे कि कोविन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, कोविन मैंने यहाँ पे यूज भी किया, आप देख सकते हैं रिसेंट यूजेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ये ऊपर साइड आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो नीचे आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे ना, देखिए ये एप्लीकेशन उमंग का अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं एक बार, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। हालाँकि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस पर डेडिकेटेड वीडियो पहले से मैंने बनाया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, डायरेक्ट के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दो। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कोविन का जो एप्लीकेशन है ये ओपन होकर के आ चुका है। इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इसे हिंदी में यूज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, देखिए इंग्लिश है, आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं या फिर गुजराती में करना चाहते हैं या फिर इनमें से जो भी लैंग्वेज शो कर रहा है उस लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं हिंदी में करके दिखाने वाला हूँ, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सब तुरंत ही ये लैंग्वेज सारा चेंज हो गया है। जो भी सेवाएँ हैं आप देख सकते हैं, टीकाकरण के लिए पंजीकरण या लॉगिन करें, यहाँ से आप करेंगे। अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो यहीं से कर पाएंगे, अगर पंजीकरण किया है तो लॉगिन यहीं से करेंगे, जो कि अभी हम करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका एक मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, अगर आपने पहले से इसको यूज किया तो वही मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद से सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे अब आपको एक OTP भेज दिया जाएगा आपके इसी मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना OTP एंटर कर लिया है, OTP वेरीफाई करें का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। देखिए अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप पुनः भेज सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है OTP पुनः भेजे सक्षम हो जाएगा, ये जो भी सेकेंड चल रहा है, टाइमिंग चल रहा है इसके बाद। तो अब OTP वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, देखिए अब यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब जैसे लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जितने पर्सन का वो सब देखने को मिल जाएगा। हालांकि एक आईडी प्रूफ से आपको एक मोबाइल नंबर से चार लोगों का मिलता है। तो देखिए अभी इन्होंने जो भी व्यक्ति हैं इन्होंने दो लोगों का किया हुआ है, आप देख सकते हैं इनका पूरा डिटेल्स, इनकी कौन सी खुराक लग चुकी है, अगली खुराक की तिथि क्या है, कितने दिन बाकी हैं वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति है उनका भी देखने को मिल जाएगा कि उनका लिंग क्या है, फ़ोटो आईडी प्रूफ उन्होंने क्या दिया हुआ था, जन्म का वर्ष क्या है, टीका क्या लगाया है उन्होंने, और फोटो आईडी नंबर देखने को मिल जाएगा, रेफरेंस आईडी नंबर, पहली खुराक की स्थिति देखने को मिल जाएगा, दूसरी खुराक की स्थिति,
और अगली खुराक की तिथि आपको देखने को मिल जाएगा 23 अगस्त। जो भी आपकी अगली खुराक की पहली डेट होगी ना, वो ही यहाँ पे शो करेगी। आप अपॉइंटमेंट लेना भूल गए हैं। देखिए, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो यहाँ पे लिखा भी है कि आप अपॉइंटमेंट लेना भूल गए हैं। अपॉइंटमेंट को यहीं से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ पे और अधिक जोड़ सकते हैं, जितनी लिमिट है वो आप मैक्सिमम लिमिट तक और व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लॉगआउट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बैक हो लेते हैं और भी सर्विसेज को देख लेते हैं। देखिए, एक बार आपने लॉगिन कर लिया ना, तो बाकी सारी सर्विसेज के लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको इनमें से किसी भी सर्विस का लाभ लेना है तो आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार ही लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे नज़दीकी टीकाकरण केंद्र, अब नज़दीकी टीकाकरण केंद्र को आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे पिन कोड एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं चलो 36024 यहाँ पे कुछ भी रेंडम एंटर कर लेता हूँ, खोजे पे सर्च कर लेता हूँ। देखिए, इसमें निर्देश दिया गया है जो कि शुद्ध हिंदी में दिया गया है, ये निर्देश पढ़ना आपको ज़रूरी है। हालांकि मैं एक एक करके पढ़ूंगा नहीं, दूसरे वीडियो में मैंने ऑलरेडी पढ़ के बताया हुआ है कि क्या निर्देश है। इसको निर्देश को आप बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती हैं। अब फ्रेंड्स, इसको हम जारी रखे पे कर देंगे। जारी रखे पे करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ना फिल्टर दिया हुआ है, पहली खुराक को आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, दूसरी खुराक के लिए कर सकते हैं। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे कोविशील्ड का 19 सबसे पहले मैं दिखा दूँ, पहली खुराक के लिए 00 अवेलेबल है, 00 बिल्कुल 00 अवेलेबल है। और उसके बाद से दूसरी खुराक को भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टैप करेंगे ना, ये पहली खुराक लिखा है, इसके बगल में यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है, इसको ऑन ऑफ करना है तो दूसरी खुराक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरी खुराक, अब दूसरी खुराक के लिए देखिए यहाँ पे कहाँ पे खाली है इस लोकेशन, राजकोट गुजरात में एक यहाँ पे खाली है, 119 को भी सिलेट का यहाँ पे खाली है, यहाँ पे को भी सिलेट का ही है। यहाँ पे आपको एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा, राजकोट लोधिका में है, लोधिका आपको जाना पड़ेगा अगर लगवाना है तो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई खाली है कि नहीं है, तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं पूरे एड्रेस के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा है, मुझे सूचित करें, तो मुझे सूचित करें मैं कुछ आपको पिन कोड एंटर करना पड़ेगा। हालांकि इसका ऑप्शन यहाँ पे ऊपर भी दिया हुआ है, तो वहीं से मैं बता देता हूँ आपको। तो बैक हो लेते हैं कि कैसे यूज करना है, पूरी तरीके से जानेंगे। अगर आप स्किप करके देखने वाले हैं तो बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, यहाँ पे टीकाकरण का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालांकि एक बार हमने लॉगिन कर लिया है इसलिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब आप जितने पर्सन का आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनका नाम सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो का किया हुआ है, तो दोनों में से किसी जिसका भी डाउनलोड करना है आप यहाँ सेलेक्ट करिए और डाउनलोड करें पे सेलेक्ट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो आपने डाउनलोड किया ना वो आ गया है सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ प्रश्न जो भी आपके सामान्य प्रश्न हैं वो उसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप करेंगे तो। हालांकि ये इंग्लिश में देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, आने वाले समय में और भी एड हो जाएंगे, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट को लेकर के भी हैं काफ़ी सारे प्रश्न हैं। ये हिंदी में नहीं देखने को मिला है, सेकेंड डोज के लिए है। अब देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब इसको बैक हो लेते हैं और देखिए अनुरोध करें, पासपोर्ट जोड़ सकते हैं, पासपोर्ट का ब्यूरो जोड़ सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के साथ। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाभार्थी का नाम चुने, 2-3 है तो आपको चुन करना ही पड़ेगा। तो अभी जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर एंटर करना है और सबमिट कर देना है। और उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ देखिए और भी चीज़ें हैं दी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सुधार कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है करेक्शन कर सकते हैं, जो प्रमाण पत्र आपको मिला है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, अलग ही करेक्शन का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन आपको मैं प्रोसेस पूरा ही इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, केवल एक बार ही बदला जाएगा, आप ध्यान से बदलिएगा। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, जन्म तिथि चेंज कर सकते हैं, लिंक चेंज कर सकते हैं और आईडी चेंज कर सकते हैं, बाकी सबमिट कर देंगे। हालांकि फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आपको एक से अधिक खुराक को शामिल करें, यानी कि मर्ज करने की बात हो रही है, अगर एक से ज़्यादा खुराक आपने लिया हुआ है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर लाभार्थी चूज कर लीजिए, अगर आपका एक ही का है तो फिर आपको चूज करने की जरूरत नहीं, वही आ जाएगा। अब देखिए, टीकाकरण का खुराक का डिटेल आ जाएगा, फर्स्ट का तिथि भी आ जाएगा, टीकाकरण सेकेंड का आ जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर करना है और ऑलरेडी दिख रहा है तो यहाँ पे सबमिट कर देना है।
अब फ्रेंड्स देखिए अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से आ गया है। देखिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। एक से अधिक खुराक को हमने देख लिया है। देखिए मैंने जो बोला था ना कि वहाँ पे एक ऑप्शन था जब आप सर्च कर रहे थे, तो देखिए सब्सक्राइब करें का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सब्सक्राइब करें जैसे आप करेंगे ना तो सेम इंटरफेस आ चुका है जो कि पिछले में आपने जाना था, पिछले स्टेप में जब सर्च कर रहे थे तो सेम यही इंटरफेस ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब करें अनसब्सक्राइब करें दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब करने का क्या बड़ा फ़ायदा है? सब्सक्राइब करने का ये बड़ा फ़ायदा है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई डाल दिया पिन कोड, जैसे 36024 मैंने डाल दिया, 36025 डाल दिया, 36025 डाल दिया, और भी तीन डाल सकते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद से ना हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर देंगे ना, जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट होंगी तो उसके बाद से देखिए सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, तो आपको नोटिफाई कर देगा ये एप्लीकेशन। देखिए ये एप्लीकेशन जेन्युइन एप्लीकेशन है, ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये इल्लीगल है, इल्लीगल नहीं है। देखिए अनसब्सक्राइब में आप देखने को मिल जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है यहाँ पे। अभी इसको चाहते हैं कि नहीं नहीं अब तो मुझे अनसब्सक्राइब करना है, तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब ऑल कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, तो अनसब्सक्राइब ऑल हम कर देते हैं। तो देखिए ये लिस्ट से हट जाएगा, फिर से अब यहाँ पे तीन लोगों की लिमिट देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करें क्या ना करें। यहाँ पे देखें पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन विद सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल ओपन होकर के आ जाएगी, देखने को मिल जाएगा। इसमें राइट मार्क है ये आपको करना है, ये बताया जा रहा है ये गलत है तो ये नहीं करना है। आप पढ़ सकते हैं एक एक करके क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है और मैं एक एक करके पढ़ के आपको बताऊंगा तो शायद बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा इनके बारे में, अगर बताना हो तो और डिटेल में मैं बता दूंगा। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए यूजर को विन सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मैंने डिटेल्स में बताया है कि ये कोविन एप्लीकेशन जो कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है, फिर इसमें काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं उसको आप आसानी से बड़े ही आसानी से खुद से कर सकते हैं। हालांकि इनका डिटेल्स वीडियोज मैंने ऑलरेडी बनाए हुआ अलग अलग करके, अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं जैसे करेक्शन का हुआ और इससे रिलेटेड, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।